स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। मैं हूं आदाब खान और वक्त हो चला है आज की तमाम ताजा खबरों से आपको रूबरू कराने का। पीपलखिरिया पंचायत में समस्त नागरिकों द्वारा जीत का जश्न मनाया गया बड़े धूमधाम से। समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी जी और रमाकांत भार्गव जी का, साथ ही माननीय पूर्व वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार एवं मोदी सेजवार जी का फोटो रखकर स्वागत एवं वंदन किया गया। उन्होंने समस्त जनता द्वारा बताया कि इस बार राष्ट्रीय हित में मतदान किया और अच्छे प्रधानमंत्री का चयन किया और आशा करते हैं कि हमारे गाँव राजीव नगर में पानी की समस्या लगभग 25 सालों से चल रही है वह खत्म हो। बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। हमारे ग्राम राजीव नगर में पीपलखिरिया में एक ही समस्या है, पानी की समस्या के लिए नर्मदा लाइन लाई जाए, नहीं तो डैम बनवाया जाए। हमारे इधर बहुत दिक्कत होती है, नलों पे 3-3 घंटे बैठना पड़ता है, हमारा टाइम वेस्ट जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। ग्राम पंचायत पीपलखिरिया में बस सिर्फ एक ही समस्या है, जो पानी की समस्या है। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है और यहाँ ग्राम में पानी की बहुत ही दिक्कत है। बस यही विनती है कि हमारे पानी की सुनवाई हो, यहाँ का डैम बने। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमतों से जीतने पर लाख लाख बधाइयाँ और हमारे ग्राम पंचायत पीपलखिरिया की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई। और माननीय रमाकांत भार्गव जी जो कि प्रथम बार हमारी सांसदीय सीट से विजय हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे गांव में एक ही समस्या शुरू से रही है, वो है पानी की। और माननीय सांसद जी से हमारा निवेदन है कि अब वो प्रथम बार हमारी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, तो उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी जो ग्राम में पानी की समस्या है उसका समाधान करें। रायसेन से भरत मीणा की रिपोर्ट।